ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल के जो है दूसरे दिन पहला नामांकन भाजपा से दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने सोमवार को पहला नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव का यह पहला नामांकन है दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ। भाजपा से चुनाव चंद्राकर ने मुहूर्त के हिसाब से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा कांग्रेस के दुर्ग शहर प्रत्याशी अरुण वोरा और भाजपा दुर्ग शहर प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने स्वयं आकर अपना नामांकन पत्र खरीदा है। इसी के साथ ही आज से नामांकन दाखिल की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। माँ दुर्गा की कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है। आज इस पवित्र दिन में मैंने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन लिया, शुभ मुहूर्त में भर दिया जाएगा। देखिए, मतदाताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत हमारे साथ है और सेवा ही हमारा धर्म है, इसके आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ, तो सबका आशीर्वाद सहयोग मुझे प्राप्त होगा। जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और हम जहाँ जा रहे हैं लोगों का अपार जन समूह हमें आशीर्वाद देने को आतुर है और जनता ने मन बना लिया है नए प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी का महत्व नहीं क्या होता है, मंडल आप देख रहे हैं मेरे आजू बाजू सारे हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी हैं, जिला के आदरणीय महामंत्री जी हैं, जिला के माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, ध्रुव नगर में रहने वाले सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रमुख पदाधिकारी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।